पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक बार फिर से पुलिस की नाकामी सामने आई है। पुलिस चौकी से मात्र 250 मीटर की दूरी पर खुले मैदान में गौवंश का वध कर उसके मांस को ले गए और अवशेष छोड़कर आरोपी फरार हो गए। मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को मिली तो सभी हिंदू संगठन इकट्ठा होकर पहुंच गए और पुलिस से खूब नोकझोंक भी हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस के द्वारा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना मजोला क्षेत्र का। थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडी चौकी से मात्र 250 मीटर की दूरी पर सब्जी मंडी के मैदान में गौवंश का कटान कर दिया गया और अवशेष छोड़कर आरोपी फरार हो गए। आसपास के लोगों ने जैसे ही मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को दी तो सभी इकट्ठा हो गए। हिंदू संगठनों ने पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। हिंदू संगठन के लोग कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए और अवशेषों को दफनाने के पहले कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक भी मैफोर्स के मौके पर पहुंच गए और मामले को शांत कराया गया। पुलिस के मुताबिक अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद पशु के अवशेष को दफनाया गया। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे ही मंडी बंद होती है उसके बाद ही सुनसान देखकर पशुओं का कटान कर दिया जाता है और इससे पहले भी कई बार इसी तरह की घटनाएं हुई हैं, जिनसे पुलिस को भी अवगत कराया गया लेकिन उसके बाद भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अज्ञात तत्वों द्वारा गोवंश को काट कर फेंक दिया गया तो यहाँ पर सूचना मिलने के बाद मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ आया और यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के मौजूदा आड़ती जो सभी लोग हैं जिनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, मैं यहाँ पर आके मैंने देखा कि गौवंश के शव यहाँ पड़े हुए हैं जिसमें सिर और पैर थे। बाकी अवशेष जो थे, बाकी जो जिन्होंने वो काटा है, यहाँ ये नहीं पता कि यहाँ बैठ के काटा गया है कि यहाँ काट के फेंका गया है, इस तरह की। और इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। 10 से 12 बार यहाँ से गाय भी ले जा चुके हैं, यहाँ पर खून भी मिला है, पर किसी बार जो है गाय का कुछ शरीर नहीं था, जिस प्रकार हम कार्रवाई। जी सर, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता जब चौकी मात्र यहाँ से 100 मीटर दूरी पर भी नहीं है, दो गेट हैं। क्या इतनी गाड़ियाँ होती हैं धर्म कांटे पे भी? गाड़ियाँ चेक होती हैं, जाते आते होती हैं, नहीं होती हैं इस प्रकार। और पहले जब अगर आपको पता है कि इस क्षेत्र में ये घटना हो रही है तो पुलिस को अपने हिसाब से चौकन्ना होना चाहिए। अब हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, तो इस प्रकार से कार्रवाई देने का कोई उद्देश्य, मतलब हमारा कार्रवाई करवाने का उद्देश्य था जो इन लोगों ने हमसे अवशेष ले लिए हैं। आए दिन गायें जो हैं कटती रहती हैं और इसकी सूचना कई बार दी भी गई है लेकिन अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी प्रांगण में एक पुलिस चौकी होते हुए और यहाँ पर दो मोबाइल गाड़ियाँ भी हैं, उसके बाद भी लोग छुट्टा आते जाते हैं और ले गायों को ले भी जाते हैं और काट भी देते हैं। ये रात के समय में ही होता है, रात नाइट में ही होता है, ये जब भी होता है शाम को, हाँ लगभग 2 बजे तक तो आड़ते चलती है मंडी समिति में हम लोगों की, उसके बाद ही ये कार्रवाई होती है। 2-3 बार केस हो गया है तो अवगत भी कराया गया, पुलिस को भी अवगत कराया गया इसके बारे में तो। लेकिन असल में क्या है, पुलिस की ड्यूटी सक्रिय नहीं है, सही बात तो ये है। मैं आपको बताता हूँ, मंडी समिति में जब दो मोबाइल गाड़ियाँ हैं तो वो गश्त करना चाहिए उन्हें, जो कोई अगर कहीं बाहरी आदमी आ रहा है या उसको टोक देना चाहिए तुरंत, कभी आप क्यों आ रहे हो मंडी में। अक्सर मंडी में यहाँ पर जो है झगड़े होते रहते हैं, दुनिया भर का बवाल यहीं पर है इस मंडी के अंदर, समझे, सब नशीड़ी यहीं घूमते रहते हैं पूरी मंडी के अंदर। कोई इसमें कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, क्षेत्रीय चौकी कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती क्षेत्रीय चौकी, कुछ नहीं करती। यहाँ पर कल मंडी समिति की छुट्टी थी, यहाँ पर हमारे आरतियों की 31 तारीख में यहाँ मंडी की छुट्टी रहती है आरतियों की, और 15 तारीख को महीने की। कल रात कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने यहाँ पर गाय को काट दिया, जिसके पैर काट के और गर्दन काट के छोड़ गए, बाकी शरीर वो उसका पूरा ले गए यहाँ से मंडी समिति से। तो ये पहली बार हुआ है, ये घटना तीसरी या चौथी है? पहले भी सूचना देने की बात थी मगर वो गर्दनें जो हैं सब कुत्ते वगैरह सब खींच के ले जाते हैं, वो कोई ऐसी सबूत नहीं होता जो हम किसी अधिकारी को या पुलिस को दिखा सकें। आज ये गर्दन हमें मिली है और यहाँ से हमने सुबह को लड़का बैठा रखा था, वो कुत्ते भी जिसको भी खींच के लेके जा रहे थे, सुबह से इसकी रक्षा कर रहे हैं गर्दन की। ये होता कब है? ये जब मंडी बंद हुई तभी होता है ज़्यादातर। देखिए मंडी के परिसर में एक गोवंश का सर मिला था, उसकी सूचना मिली थी और उसको लेके यहाँ पे लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, उन समस्याओं का संज्ञान लिया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर,
क्या मतलब आगे क्या प्रशासन क्या? इनके द्वारा कई तरह की समस्याएं बताई गई हैं, सभी समस्याओं को नोट करके उसका संज्ञान लिया जा रहा है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।